गाइस दिस आकाश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर ऑल गुड। और आज है 26 जनवरी, आज है थर्सडे। देखो आज का प्लान ये है कि बहुत सारी जगह जाना है। हम और सूरज भैया जाएंगे, यहाँ पे एक पहाड़ है बाम्बेश्वर करके, तो वहाँ पे जाएंगे, ओवर ब्रिज देखेंगे, रेलवे क्रॉसिंग वगैरह देखेंगे, बस मज़े लेंगे आज के। और आज छुट्टी कर दिया ना भैया ने, तो आज सिर्फ और सिर्फ मज़े। तो गाइस हम लोग बाइक पर निकल चुके हैं, हम और सूरज भैया आज बांदा के चक्कर लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ घूमेंगे। क्यों गाइस? क्या गाइस? रैली जा रही है गाइस स्कूल की। हम अगर वहाँ टाइम से पहुँचे तो आपको दिखाएंगे। और जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते थोड़े भी करें। ये है वो रैली जो जा रही है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से झंडा लिए घूम रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, एक टाइम था जब हम भी ऐसे ही जाया करते थे। तो गाइस अभी हम पेट्रोल डलवाएंगे और उसके बाद घूमेंगे, क्योंकि बाइक में पेट्रोल होना भी तो ज़रूरी है ना घूमने के लिए। गाइस अभी हम पहली बार मैं बांदा में भी बाजार देख रहा हूँ और बस घूम ही रहे हैं। बाइक राइड के लिए निकले थे, वही कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे बच्चे दिखे हैं हमें आते जाते स्कूल से। काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, लेकिन मोस्ट ऑफ द दुकानें आज बंद हैं बिकॉज ऑफ 26 जनवरी। हम पहुंच चुके हैं, पहाड़ देखने आए थे, पहाड़ देख लिया, अब इसके ऊपर चढ़ेंगे शायद। आपको रास्ता दिख रहा है? हमें भी दिख रहा है भाई साहब। हम बाम्बेश्वर वाले पहाड़ ना, गाइस हम पहाड़ पे पहुंच चुके हैं और ये पता नहीं कौन सा है, पहली बार आया हूँ ना इसलिए पता हुआ तो कुछ नहीं है। बस चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यार कितना खूबसूरत है गाइस। ये देखिए गाइस कितना मस्त लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है। आज बहुत दिनों के बाद हम मतलब मैं कहीं बाहर आया हूँ, सूरज भैया तो पहले आते रहते हैं। ये बांदा में पहली जगह है जहाँ पे मैं घूमने आया हूँ और पहली बार। देखो देख रहे हो गाइस बांदा व्यू पॉइंट, सूर्य दर्शन स्थल पे पहुँच चुके हैं हम। लेट मी शो यू गाइस, वी आर एट द बांदा व्यू पॉइंट। बांदा व्यू पॉइंट सूर्य दर्शन स्थल। हाँ देख रहा हूँ यार गाइस, इतनी दूर कर हम फासला तय कैसे करेंगे? दिस इज सो फार। वहाँ पे जयकारे लग रहे हैं गाइस, भारत माता की जय हो रही है। ओके अगर पिक्सल ना फटे तो फ्लैग देख लो गाइस। ओ दौड़ते दौड़ते सांस भर के थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी दूसरे पहाड़ पे आ गए और बस चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं। पता नहीं कितनी दूर
दूर है, लेकिन कोई बात नहीं, चढ़ लेंगे। वी आर प्रोफेशनल रेसलर्स गाइस। आई थिंक बस थोड़ी सी दूर और ये देखो शहर कितना छोटा लग रहा है। क्यों यहाँ पे ध्वजा रोहण हुआ है एंड वी आर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। लुक एट दिस, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, लुक्स ब्यूटीफुल। बांदा गाइस पूरा दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी कितना खूबसूरत लग रहा है ना। अगर मेरी मम्मी देखेंगी ना ये, जो कि देखेंगी तो मुझे बहुत गुस्सा करेंगी। ओके गाइस, तो हमें लड्डू मिला है बिकॉज यहाँ पे जैसे बताया कि ध्वजारोहण हो रहा था। ये है ध्वज और यहाँ पे ये लोग आए हुए थे मेहनत करने के बाद, अब हमें लड्डू मिला। वो लड्डू हम खा रहे हैं, मेहनत का फल मीठा होता है एंड वी आर ईटिंग और मीठा फल। ये अंकल जी ने हमें लड्डू दिए हैं और दो हम पहले खा चुके हैं, दो अब ये इंसान खा रहा है। देख रहे हैं गाइस, ऐसे काफ़ी सुकून है यार यहाँ वाकई, मतलब एकदम पीसफुल जगह। क्यों गाइस? हाँ है ना, कितना अच्छा लग रहा है। मैं तो कहता हूँ हर संडे को यहाँ आते हैं, बैठते हैं। हर संडे को नहीं, और सैटरडे को जिस दिन लग डे होगी। हाँ पेन दे रहे हैं। थैंक यू। हमारे जीवन में अब पेन की बहुत कमी है क्योंकि हम लड़ते हैं सिर्फ। हमारी मेहनत का फल, बहुत सारा फल मिला था, लेकिन वो भी लड्डू, दो हनुमान जी की फोटो और दो पेन, साथ में दो पेन, पेन जो डॉट पेन, बॉल पेन, पढ़ो लिखो और फेंको। था कि इनके कहने का साइकिल के लिए फेंको, ये नहीं कि अपमान कर दो उसका। अपनी बातों का केवल कवर अप कर रहे हैं, बाकी तो फेंक देते हैं। एक बार पेन खत्म हो गया फिर फेंक दो। आ तो गए पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत? क्योंकि हमारी बाइक की चाबी किसी की गलती की चाबी से स्टार्ट हो जाती है। लेते रहिए, हम लेते रहेंगे। ये डायरी में लिखूंगा। देखिए साथ में डायरी भी दे दी है। अब हर साल आएंगे और ये डायरी पेन सब का ही निर्णय होता था, जैसे चाहते थे मनमानी करते थे। 26 जनवरी को फिर हमारा संविधान लागू हुआ, वैसे 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ, पर 1950 को संविधान लागू हुआ, गणतंत्र दिवस, यानी हमारा कानून हमारे हिसाब से, जनता का शासन जनता के लिए है ना। हाँ। और सब कुछ नियम कानून से ही चलता रहा, इसलिए 26 जनवरी को मनाया जा रहा है। ठीक, यहाँ हम लोग करीब 10-12 साल से है ना झंडा फहरा रहे हैं। क्यों फहरा रहे हैं? कि इस पहाड़ की कोई देख रेख करने वाला नहीं, चारों तरफ से बस्ती बस रही है खूब लोग है और जमीनें घेर रहे हैं। देखो यहाँ से विदाई लेने का वक्त आ गया है क्योंकि बारिश होने वाली है और हमें बहुत घूमना है आज, क्योंकि बहुत दिनों बाद छुट्टी मिली और ऐसे लड़ने वड़ने से फुर्सत नहीं रहती। डायरी पिन दिया तुमको। सो वी आर मूविंग। तो यहाँ पे आप जब भी आते हैं ये ऐसे डाल के चले जाते हैं ताकि पेड़ वेड़ निकल आए। अंकल ने बहुत सारे पेड़ों के बीज डाले हैं ताकि ये जगह ऐसे ही खूबसूरत हरी भरी रहे और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए, क्योंकि और कोई सोच नहीं रहा है तो किसी को तो सोचना ही पड़ेगा। हमें ये पेड़ के बीज मिले हैं हमें और सूरज भैया को, ताकि हम पर्यावरण बचाने में थोड़ा सा योगदान दे सकें। इधर से रास्ता है नीचे जाने का? हाँ। तो बस इधर ही से चलेंगे, वहाँ से हमारी बाइक नहीं मिलेगी ना गाइस। सो वी आर डूइंग सम गुड स्टफ
एंड ऐसा बात अच्छा लगा यार, यहाँ के घूम के इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिल के बढ़िया लगा। और फ्री में लड्डू वड्डू भी मिले, ये भी है लाभ। खुले दिल से करो अच्छे कर्म, फिर लाभ ही लाभ होगा। तो अभी हम जा रहे हैं, सूरज भैया ये इनके हाथों में दो लड्डू हैं, ये एक सोनू भैया को दे देंगे, एक संदीप को दे देंगे, है ना। और बस स्ट्रगल देखिए गाइस, लाइफ का स्ट्रगल। बाइक घूम नहीं रही है। रुको, अब हम निकल चुके हैं बाइक से, जा रहे हैं। अब जाएंगे हम ओवरब्रिज देखने, देखो अब इतना अच्छा पहाड़ देखने के बाद जाएंगे ओवरब्रिज देखने, ऑक्सीजन लेके जाएंगे पॉल्यूशन में। सबसे ज़्यादा मुझे डर लगता है इन पतली पतली गलियों में, और जब बारिश हो गई होती है तो ये स्लिपरी हो जाती है और फिर गिरने का डर हर वक्त बना रहता है। भाई साहब सामने से नेशनल एंथम हो रहा है, यहाँ पे नेशनल एंथम हो रहा था और हमने बाइक खड़ी कर दी थी गाइस, वी आर प्राउड टू बी इंडियन। और यहाँ पे अब खड़ी चढ़ाई पर हम आ चुके हैं, अभी तक हम पैरों से चल रहे थे, बाइक पर चल रहे हैं। हालाँकि बाइक के इंजन को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। हम ब्रिज पर पहुंच चुके हैं, देख रहे हो घूमने के लिए जगह कम पड़ गई तो हम ब्रिज पर आए हैं घूमने के लिए। ये घूमने की जो स्पिरिट है ये बहुत ही कम लोगों के अंदर होती है। भाई पूरे आंवले की खेती कर रखी है, पैसा ही पैसा होगा। हमारा जो ट्रिप था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। बच्चे अभी भी झंडा लेके जा रहे हैं, अरे ये गाड़ी वाला भी लगाए। तो गाइस एकेडमी आते आते हम लोगों ने थोड़ी सब्जी भी ले ली है और बस अब हम एकेडमी पहुंच ही जाएंगे थोड़ी देर। तो गाइस हम पहुंच गए हैं अपनी एकेडमी, भैया आ गए गाइस।